केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आज से हम लोग 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सिलेबस लिखा दिए थे सबको, आज नया टॉपिक स्टार्ट, नया क्या, पहला टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इंग्लिश वाला इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इक्वेशन कहता है। मतलब इंग्लिश में इस चीज को रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले इस पूरा बात को समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शब्द है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो दो चीज होती है, तुमको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ में परिवर्तन। क्या चीज? पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन दो टाइप से होता है, पदार्थ में चेंज दो टाइप से होता है, चेंजिंग इन मैटर, चेंजिंग इन मैटर, पदार्थ में परिवर्तन। तो पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, पहला को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज। मैटर, पदार्थ में कितना प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बताओ पदार्थ में कितना टाइप से परिवर्तन होता है? दो प्रकार से परिवर्तन होता है। तुम्हारा बॉडी भी दो प्रकार से परिवर्तित होता है। पहला परिवर्तन है कि ठंडी का समय चल रहा है, अभी तुम अपना चेहरा पे नहीं नहाता होगा तो क्रीम मार लेता होगा, पाउडर मार लेता होगा, एकदम फेयर हैंडसम बन के दुल्हा बन के आता है यहाँ पे। और एक परिवर्तन होता है कोई लड़का बढ़िया से पहले नहाएगा, साबुन लगाएगा और मुंह में कौन कौन क्रीम होता है लगाने वाला वो लगाएगा। परसों तरसों जो हम गए थे समझ ही रहा है बोलने का जरूरत है, तो रंजीत सर उसने वो क्रीम लाए थे, आओ क्रीम बोले हम कितना का है, तो बोला 500 रुपया का है। हम तो बोले अपने जीवन में कभी क्रीम 500 का कैसे लगाएंगे हम, अब मुंह में लगा के पता नहीं क्या होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, थोड़ा समय के लिए परिवर्तन होता है, एक बार मुंह में मारो तनी देर के लिए परिवर्तन, तनी देर तक गोर लगेगा, उसके बाद करवा का कलवा का कलवे रहेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ, अभी 10 मिनट सुनो, कितना मिनट, 10 मिनट, उसके बाद लिखना है, जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ऐसा चेंज जिसमें पदार्थ फिर से अपने रूप में, जो रूप से वो बना है, अपने पहले वाला रूप में ही आ जाए तो उसको कौन परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब जैसे हुआ लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कौन परिवर्तन है बताओ? लकड़ी से कुर्सी बनाना, बताओ भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। क्या फिर से कुर्सी को तोड़ के लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बना सकते हैं। ये कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये कौन परिवर्तन है? एक तो एग्जाम्पल तुम भी बोलो भौतिक परिवर्तन का, जैसे बोतल को पचकना, प्लास्टिक बोतल, जैसे एक तो गेंद आता है
पुचकुआ वाला गेंद देखा है, स्पंज वाला बॉल, अब उसको पचकाना, अब बता उसको पचकाते अगर जो है एक्सरसाइज वाला बॉल आता है ना, अगर जो उस पर जब तक हम बल लगाते हैं तब तक ही उसका आकार चेंज होता है, तो वो कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन आई थिंक नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मोमबत्ती का, मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना, पिघलना, मोम जो पिघलता है, मोम को देखा है, मोमबत्ती जलता है और धीरे 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 मोमबत्ती पिघल पिघल के पिघल पिघल के नीचे गिरता है ना, और जो गिरता है नीचे उसको फिर से उसमें धागा डाल के मोम बना सकते हैं। तो कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब आता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, और इसी को पढ़ना है हमको, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में, मूल रूप में नहीं आ सके तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बता बाबू, इसमें पदार्थ अपना मूल रूप में आएगा क्या? पदार्थ अपने पहले वाला रूप में आएगा नहीं, इस रूप में पदार्थ को अगर जो चेंज कर देंगे तो अपना अवस्था पूरा चेंज ही कर लेगा और फिर से अपना पुनः अपना पहले वाला अवस्था में नहीं आता है। अब बताओ, जैसे हो गया फल का पकना, फल का पकना, अब फल को पकाओ, जैसे आम होता है, आम कई प्रकार का होता है, मालदो, बम्बई, जरदालू, गुलाबखास, एक से एक क्वालिटी का तुम लोग आम जानता है, और उसमें तुम लोग जानता होगा बचपन में बम्बई आम ऐसा होता है जो कच्चों में मीठा लगता है, पक्कों में मीठा लगता है, मालदो आम कच्चा में खूब खट्टा, पक्का में खूब बढ़िया लगता है, एकदम चबक्का मार मार के खाता है तुम लोग, किसी किसी का हाथ मुंह लगाता है तो नाकोर में घुस जाता है, बड़का आम रहता है तो एकदम आम तो फेवरेट होगा सबका। आप बता, आम जो फल जो पकता है, शुरू शुरू में मालदो आम कच्चा रहता है, कच्चा रहता है तो उसका कलर भी हरा रहता है, हरा रहता है, हरा रहता है, और जब धीरे 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 पक जाता है तो उसका कलर में कैसा परिवर्तन आता है? उसका कलर पीला हो जाता है, कलर पीला हो जाता है। अब बताओ, अब जो आम पक के पीला हो गया है, उस आम को कितना भी हम फ्रिज में रखेंगे फिर से कच्चा होगा? ये कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ये कौन परिवर्तन है? मानव की शारीरिक वृद्धि कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इतना बड़ा तुम लोग हो गया है 50 साल का, 50 साल नहीं हुआ कम ही हुआ, 15 साल का, और बताओ हम बोलेंगे कि तुम जो 15 साल का हुआ है तुम्हारे शरीर में भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब मान लो कि स्वीटी अभी 15 साल की होती है, अगर इसमें भौतिक परिवर्तन होता तो हम सोचते हमेशा जब मन होता तो स्वीटी को सोचते, स्वीटी तनी को काफी बच्चा हो जाओ, हम दोनों ओ ओ करेंगे, बोलते ऐसा, बोलते कि नहीं बोलते? आप बताओ ये कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसी कारण से चेंज नहीं हो सकता है, इसी कारण से चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपने रूप में आ सकता है उसको रासायनिक परिवर्तन, पुनः अपने रूप में आ सकता है उसको भौतिक परिवर्तन, और पुनः अपने रूप में नहीं आता उसको रासायनिक परिवर्तन। अब बताओ, फल का पकना, मोम का जलना, मोम का जलना, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि मोम का जलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? बताओ, अगर जो मोम जल के ऊपर आसमान हमारे वायुमंडल में फैल जाएगा तो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है?
कौन परिवर्तन है? फिर से वो वापस आ सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन मोम जो पिघलता है, मोम को पिघलते हुए देखा है, मोम जो पिघलता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघले हुए मोम के द्वारा वापिस हम मोम बना सकते हैं, मोमबत्ती नहीं बना सकते, धागा डाल के बना सकते हैं। तो अब बताओ, हिंदू धर्म में आदमी को जलाया जाता है, जलाया जाता है, अब बताओ किसी भी वस्तु का जलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? आदमी को जलाता है भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? क्या वो जला हुआ राख से वापिस आदमी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं नहीं। और तुम लोग को कभी मन में आया होगा कि रियल में हिंदू धर्म में जलाया कहा जाता है? जल मतलब क्या पड़ता है, उसको दफना भी तो सकते हैं, जलाया कहा जाता है। तो जलाने का प्रथा है, हमारा शरीर पांच तत्व से बना होता है, बोलते हैं चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। अगर जो शरीर को जलाया जाता है तो शरीर सब कुछ में विभाजित होता जाता है, शरीर से पानी निकलता है वो पानी में चला जाता है, शरीर से आग निकलता है वो आग में मिल जाता है, शरीर से हवा निकलता है वो वायु में मिल जाता है, और शरीर से आकाश निकलता है जो हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। तो हमारा शरीर, शरीर से जो राख बच जाता है वो मिट्टी होता है और वो मिट्टी में फैल जाता है। तो हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, और इसी को पांचों तत्व में अलग अलग करने के लिए, पांचों तत्व में अलग अलग तोड़ने के लिए हमारे शरीर को दहन किया जाता है, ताकि हमारा शरीर में से पांचों तत्व अलग अलग होके एकदम अलग अलग में समाहित हो जाए। अब पानी में तेल मिलाएंगे होगा? होगा। पानी में हवा मिलाएंगे होगा? नहीं। अगर जो हवा मिलाएंगे तो मिलेगा? मिलेगा। तो मोम का जलना कौन परिवर्तन है, भौतिक की रासायनिक? भौतिक परिवर्तन है ना? कौन परिवर्तन है? रासायनिक। कौन परिवर्तन है? मोम का पिघलना भौतिक, मोम का जलना रासायनिक। समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। अब बताओ, तू लोग अपने घर में खाना बनाता है, चावल का भात बनाता है, बनाता है। अब बताओ, चावल से भात का बनना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। आपको कोई सोच रहा होगा, सर मेरे घर में चावल बना था भोज में, आउट बच गया था ना, उसको धूप में दिए थे सुखा के, फिर चावल बन गया। क्या पहले जैसा चावल था वैसे चावल फिर बन गया क्या? बन गया नहीं, पहले जैसा नहीं बनता है, उसके क्वालिटी में चेंज हो जाता है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ रही है बातें? तो अब होता है क्या है, हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब जब दो तत्व या यौगिक, उसमें क्या लिख सकते हैं? पदार्थ। उसमें क्या लिख सकते हैं? पदार्थ। जब कोई, जब दो तत्व या यौगिक रासायनिक में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वह तत्व या यौगिक इस परिवर्तन के बाद दो या दो से अधिक गुण वाले
तत्व या यौगिक का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख बाबू ये है क्या, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या, है जब दो या दो से अधिक अलग गुण वाला तत्व, या यौगिक में रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन करते हैं, तो वह तत्व और यौगिक इस परिवर्तन के बाद दो या दो से अधिक गुण वाले अलग तत्व या यौगिक का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या करके डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए गुण वाले दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक या एक भी अलग गुण वाला तत्व का निर्माण करती है, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग अगर जो बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर जो दो तत्व है ना, इस दोनों को अगर जो हम मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसका गुण हाइड्रोजन क्लोराइड जो पदार्थ है ना, इसका गुण हाइड्रोजन से भी अलग है, क्लोरीन से भी अलग है, आप बताओ, जैसे मान लो कि तू लोग आम टिकला खाया है, टिकला खाया होगा, तो तुम क्या करता है कि एक पदार्थ आम है, आम को छील दिया और एक पदार्थ लिया नमक, आम और नमक, और दो पदार्थ का अभिक्रिया करा के मुंह में, जैसे अभिक्रिया करा के ऐसे करके खाया, अभिक्रिया करवाया, तो बताओ दो पदार्थ मिल रहा है ना, लेकिन जब मुंह में जाता है, गुरम्मा सब जो बनाता है चीनी डाल के, तो बताओ जब गुरम्मा जाता है, जब गुरम्मा सब मुंह में जाता है, तो क्या वो आम के जैसा लगता है, पूरा आम के जैसा लगता है नहीं, क्या पूरा चीनी के जैसा लगता है नहीं, उसका गुण उस दोनों पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसका गुण उन दोनों पदार्थ के गुण से क्या होता है, अलग होता है। आप बताओ आलू और बैगन सब्जी बना रही है, आलू का सब्जी खाएगी तो उसका टेस्ट अलग, अगर जो गोभी का सब्जी खाएगी तो उसका टेस्ट क्या है, अलग, लेकिन जब दोनों को साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो बताओ आलू में गोभी का रहता है स्वाद, गोभी में भी आलू का हो जाता है, अगर जो ठीक से बनाए तो ऐसा होगा कि नहीं होगा,
तो इसको हम लोग कौन परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अरे तू सोच रहा है कि उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हल्का मात्रा में होता है कि नहीं होता है? क्या उसमें पूरा गोभी का स्वाद रहता है, पूरा आलू का रहता है? नहीं। क्या अगर जो हम कोई कच्चा आम गुरम्मा बना के खा रहे हैं तो खाली उसमें आमे का स्वाद है? अचार बनाए हैं तो अचार भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पहले आम लाए, आम को काटे, आम को काटने के बाद उसमें नमक डाले, नमक को डालने के बाद उसमें बुकनी डाले। अब बताओ अलग पदार्थ, बहुत ज्यादा पदार्थ उसमें मिलाए हैं, तो बताओ अचार जब तैयार होगा मेरा, तो अचार का गुण किसके जैसा लगेगा? आम के जैसा लगेगा कि नमक के जैसा लगेगा कि मिर्ची के जैसा लगेगा? किसके जैसा लगेगा? सबका गुण मिला रहेगा, उसका गुण ही अलग है, वो अचार जैसा लगेगा बोल रहा है, उसका गुण ही अलग है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब बताओ अचार को कितना भी हम कुछ करें तो फिर से आम बना के उसको पेड़ में लटका सकते हैं क्या? नहीं, पदार्थ ही अलग हो गया। तो बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। अब कार्बन, कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर जो मिलेगा तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड का निर्माण होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? निर्माण होगा। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जो दूसरा तत्व होता है वो तत्व का गुण पहले दोनों तत्व के गुण से क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो बीच में तीर का प्रयोग करते हैं। बीच में क्या का प्रयोग करते हैं? तीर का, ई वाला तीर का प्रयोग करते हैं। और तीर के ई बगल जो आता है इसको रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और तीर के ई बगल जो आता है इसको प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। तो अगर जो हमको पूछेगा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, तो हम बोलेंगे ऐसा पदार्थ जो तीर के बायां साइड हो। तीर के कौन साइड हो? बायां साइड। या ऐसा पदार्थ जिसको अभिक्रिया करवाया जाए उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। अचार बना रहे हैं, अचार में आम डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, तो वो अभिकारक है। और उसके बाद अचार बन के एकदम गल उल गया, सब कुछ एकदम मस्त बन गया, उत्पाद। क्या है? उत्पाद। तो रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? जिस पदार्थ को, जिस तत्व को अभिक्रिया करवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। जिस पदार्थ को अभिक्रिया कराया जाता है या जो तीर के बता इधर बामा की दहना, बामा की दहना, बामा क्या हो जाएगा? बामा। जो तीर के बामा साइड में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। तीर के बाया और हो उसे अभिकारक कहेंगे, उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ को अभिक्रिया कराया जाता है या जो तीर को, तीर के बाएं साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अब उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। उत्पाद या प्रतिफल। मतलब पदार्थों के अभिक्रिया के बाद, पदार्थों के अभिक्रिया के बाद बने बने नए पदार्थ को
नए पदार्थ या जो जो तीर के दाया बगल हो उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तीर के जो बगल बाया साइड में हो उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब जो उत्पन्न होगा उत्पाद, जो मिलेगा उसको अभिकारक, जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो क्रिया करेगा, जो अभिक्रिया करेगा उसको अभिकारक, और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब बताओ, अब तीर का सिरा इसको बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सिर, हेड। तीर में इधर लिख देते हैं, तीर में ये जो है ये है हेड। ये क्या है? हेड। इसको बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं? ये है टेल। टेल इसको बोलते हैं पूछ। तो क्या बोलते हैं? पूछ। आप बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के हेड के तरफ क्या होता है? अभिकारक की उत्पाद। अभिकारक की उत्पाद। उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के सर के साइड, सिरा के साइड अभिकारक होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में तीर के पुछड़ी के तरफ कौन रहता है? अभिकारक। अभिकारक क्या रहता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के सर के बगल में उत्पाद और तीर के पूंछ के साइड में क्या रहेगा? अभिकारक। क्या रहेगा? अभिकारक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अब हाइड्रोजन क्लोराइड से उसके साथ कुछ अभिक्रिया करके यही फिर से पुराने लगते हैं सर, हाइड्रोजन और क्लोरीन को इसको इसके साथ अभिक्रिया करके ये नहीं लगते सर क्या? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ला सकते हैं। तो तीर इधर भी नहीं लग सकता है? किधर तीर लग सकता है? इसको ऐसे ऐसे तीर करा दे। अरे आगे चले, अभी वो आगे एक अभिक्रिया होता है उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय, वैसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को अपनी अवस्था में लाया जा सकता है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्कर्मणीय अभिक्रिया हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, अभी आगे है वो। उसमें इस तरह का साइन होता है, इस तरह का तीर होता है। ट्रेन देखा है? ट्रेन में ऐसा होता है ना, सहरसा पटना, इसका मतलब है कि जाएगा भी आएगा भी, जाएगा भी आएगा भी, ऐसा अभिक्रिया भी हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये रासायनिक क्या हुआ सर? क्या हुआ? तो रासायनिक क्या हुआ? तो उसमें जब जाएंगे तो हम उसका गुण देखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। जब हम ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया में जाएंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि हम ये अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन लगता है इसमें नहीं होता है, तो फिर हो कैसे जाता है? रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें। और दोनों पदार्थ का क्या होता है? गुण। दोनों पदार्थ का जो गुण होता है वो पहला से अलग होता है। हाइड्रोजन का गुण अलग है क्लोरीन से, और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का गुण दोनों से अलग है, हाइड्रोजन से भी क्लोरीन से भी। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी आएगा, रिएक्शन का टाइप। तो अभी हमको लेके चलना है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ एक्सेप्शन भी होता है, तो हमको एक्सेप्शन को भी पढ़ के चलना है कि कुछ कुछ ऐसा होता है एक्सेप्शन। जैसे हो गया कि सभी ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस जो जानता है सॉलिड, सभी सॉलिड पदार्थ जो होता है वो कड़ा होता है। सभी धातु ठोस होते हैं, जितना भी धातु है सब ठोस होता है, अपवाद में पारा, पारा द्रव होता है। तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ अपवाद होता है, तो हमको अपवाद को भी याद रख के चलना है। तो हम तुम्हारा उत्कर्मणीय में आएंगे तो बताएंगे। चलिए, तो ये टेल हेड की टेल रहेगा अभिकारक, हेड रहेगा उत्पाद के बगल। अब होता है क्या कि रासायनिक परिवर्तन के बाद कुछ कुछ चेंज होता है, कुछ कुछ पता चलता है कि इसमें कुछ कुछ चेंज हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन का विशेषता, रासायनिक परिवर्तन का विशेषता, रासायनिक परिवर्तन का पहला विशेषता यह है
कि रासायनिक परिवर्तन में गैस का उत्पत्ति होता है। क्या चीज का उत्पत्ति होता है? गैस की उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब गैस निकलता है रासायनिक परिवर्तन में। जैसे अगर जो बात करें एग्जांपल का, तो यहाँ पे अगर जो जिंक का अभिक्रिया कराया जाए, अभी ये जिंक जेडन सब कहां से आ गया आगे हम बताएंगे, खाली अभी देखते चलो। जिंक का अभिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 से, तो यहाँ हमको बनेगा, यहाँ हमको बनेगा ZnSO4+H2, प्लस क्या बनेगा H2, ZnSO4+H2। तो आप बताइए कि H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, और गैस क्या होता है, वो अभी वो जो है पदार्थ से अभिक्रिया जो करवा रहे हैं, ये गैस वापिस निकल जाता है। क्या हो जाता है? निकल जाता है। गैस निकल जाने के कारण से ये हाइड्रोजन के ऊपर में ये वाला साइन देते हैं, तीर वाला, ऐसे वाला। इसका मतलब है कि ये गैस निकल रहा है। गैस क्या निकल रहा है? निकल रहा है। ये वाला साइन क्या बताता है? गैस बाहर निकल रहा है। अगर जो हम Zn+H2SO4 का अभिक्रिया कराए हैं, तो ये Zn-SO4 एक साइड हो गया और H2 गैस को बाहर कर दिया। तो पहला क्या है? गैस निकलता है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो गैस निकलता है। अब उसके बाद होता है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या है? अवक्षेप का मतलब समझ में आता है? अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप का मतलब समझ में आता है? अवक्षेप क्या होता है? अच्छा, मक्खन खाया है, मक्खन देखा है, क्या होता है? क्या चीज से बनता है? दूध के साथ में कैसे बनता है दूध से मक्खन? बोले दूध से मक्खन कैसे निकलता है? क्या मत के? अगर जो हम दूध को मतते हैं, छाली को, छाली हो ना, छाली को अगर जो मतते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, डालते ही नहीं डालते हैं, हाँ पानी डालते हैं, छाली को अगर जो इससे ऐसे 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 खूब मतते हैं, तो घटनी में जिससे मतते हैं उससे या तो हाथ पे या तो बर्तन के कोना कोना पे जमने लगता है घी, और उसको निकाल के ऐसे करके छान के या काट के उसको निकाल के रख लेते हैं, और उसको लोहिया में डाल के घी बनाते हैं। ऐसे घी बनता है, ऐसे घी बनता है। तो कहने का मतलब है अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस रूप में, मतलब किसी भी रूप में, ठोस रहे, द्रव रहे, ठोस रूप में, द्रव रूप में, विलयन से बाहर निकल जाता है। किसी अवक्षेप जो होता है विलयन से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है, ये अवक्षेप नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ये अवक्षेप नहीं है। जैसे हम लेंगे NaCl में, NaCl में अभिक्रिया कराएंगे AgNO3, तो यहां पे हम बन जाएगा AgCl plus NaNO3। तो यहां पे AgCl जो है, ये AgCl ये विलयन से बाहर निकल रहा है अवक्षेप के रूप में। कौन रूप में? अवक्षेप के रूप में। अब ये वाला तीर हमने समझा, बढ़िया से दिमाग लगा दू सब, ये वाला तीर हम समझे गैस के लिए। ये वाला तीर क्या चीज के लिए दिए? गैस के लिए। इसका मतलब है गैस निकल रहा है। ये वाला तीर दिए अवक्षेप के लिए, अवक्षेप के लिए। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया।
क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाएगा उस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया बोलेंगे? अवक्षेपण। नामे है अवक्षेपण। अवक्षेप के रूप में विलयन से क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन का विशेषता, दूसरा विशेषता क्या रहा कि इसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप के बारे में समझ में आ गया? दूध में जो मक्खन निकलता है वो अवक्षेप होता है। अब बताओ रंग का बदलना, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। अब बताओ कलर में चेंज होता है क्या? होता है। कलर चेंज होता है? कच्चा में हरा लगता है, अब पक्का में पीला लगता है। परिवर्तन होता है? होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें रंग भी परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद होता है ताप में वृद्धि। क्या चीज में? ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, ताप में भी वृद्धि होता है। कभी चूना लाया है घर पोतने वाला रे, उसको पानी में डाला होगा और नीचे में बाल्टी को छुआ होगा तो बहुत ठंडा लगता होगा। ठंडा नहीं लगता है, कैसा लगता है? गर्म लगता है ना। तो आप बताओ उसमें उष्मा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ताप में भी वृद्धि उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन के बाद ताप में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या होता है? अवस्था होता है केमिस्ट्री में सॉलिड अवस्था। सॉलिड को S, लिक्विड को L, गैस को G, और जहां पे एक यू लिखा रहेगा तो समझ जाना ये है जलीय विलयन। जलीय विलयन, विलयन, जलीय विलयन क्या होता है? ये जल में घोरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? जलीय विलयन। जल में घोरा हुआ है तो क्या बोलेंगे? जलीय। घोरा का मतलब समझता है? घोरा मतलब चाबू, चाबू, चल मेरे घोड़े की। घोरा मतलब गोल गोल घुला हुआ। हम घोड़ा बोल देते हैं, हम देहाती आदमी है, लोग शहरीकरण में रहती है और हम तो गांव में रहते हैं। कहां बोले जाता है क्या तुम लोग को? खाली सुनने पड़ी, सुनने बढ़िया लगता है, समझ में आता है ना बात सब पूरा? तुम लोग भी तो गवाली आदमी है, कहां शहरी आदमी, खाली बात बढ़िया से समझिए। चलिए अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। सॉलिड के लिए, सॉलिड मतलब ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। अरे बाबू जानती है ये सब बात ना? जानती है। जान लो अवस्था में परिवर्तन, कितना अवस्था बताए हैं? देखिए पहले होता है सॉलिड, SOLID। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। और सॉलिड के लिए S देते हैं, क्या देते हैं? S, LIQUID। लिक्विड का द्रव होता है, क्या होता है? द्रव। लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का द्रव होता है, द्रव। द्रव में L होता है गैस, गैस का जी, गैस का गैसे होता है और गैस में हम लोग जी देते हैं, क्या देते हैं? और एक होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन। विलयन मतलब जल में घुला हुआ है, इसके लिए क्या देंगे? एक यू। क्या देंगे? एक यू। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पहला बात भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो गया होगा। और दूसरा बात है कि मोम का जलना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर दो अलग गुण वाले दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण, कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन करके या जुड़कर अलग गुण वाले एक हो, दो हो या दो से अधिक हो पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो वही लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए गुण वाले, यहां पे एक और लिख लेना, एक दो या दो से
अधिक, एक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब मीठा के दूसरा चले कि छपना भी हो, छपना है, छापा मार कर कोई बात नहीं, दोनों साथ कर लेंगे। अब है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन का कहना है रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र तथा संकेतों में लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको सूत्र और संकेत में लिखेंगे तो वो हमको, उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो अभी हम बताए थे तुमको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आप इसके सूत्र और संकेत में लिखेंगे, कार्बन का संकेत सी, कार्बन का संकेत क्या होता है सी, कार्बन का परमाणु संख्या छह, कार्बन का परमाणु संख्या छह। अब बताओ कार्बन का संकेत सी या प्लस ऑक्सीजन का संकेत ओ टू, ऑक्सीजन का संकेत ओ टू, तो ओ टू काहे होता है तो आगे पता चल जाएगा तुमको। अभी फिलहाल हम O2 H2 लेके चलते हैं, O2 और ये बनेगा CO2। तो आप बताओ ये सूत्र और संकेत में लिखे लिखे इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिखे हैं। आप बताओ कौन बढ़िया लग रहा है, आसानी से कौन लिखा जाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन आसानी से लिख सकते हैं? नीचे वाला। अब सबसे पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, तुम लोग किसका प्रयोग करना चाहता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? किसी को लग रहा है ऊपर वाला प्रयोग कीजिए सर। जैसे देखो ऊपर वाला लिखेगा जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को ZM, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, H2SO4, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट। अब प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। अब इसमें अगर जो करे तो जिंक सल्फेट ZN ZNSO4 प्लस H2। अभी ये सब कैसे कैसे बनता है हम आगे बताएंगे, दिल पे हाथ रख के चलो, अभी जो सिखा रहे हैं वो समझो। बताओ ये जो है हम अगर जो जिंक को ZN लिखे तो उसका संकेत है, क्या है? संकेत। अब अगर जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखे तो उसका नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक है। अगर जो तत्व जितना भी तत्व तो है 118 में कम से कम तुम लोग को 50 तक तो परमाणु संख्या के साथ और उसका संकेत याद रखना बहुत जरूरी है। अब रासायनिक समीकरण को अगर जो सूत्र और संकेत में लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण, क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है कैसी है, डायरेक्ट लिखेंगे रासायनिक समीकरण, उसका कुछ तरीका है। अब तरीका क्या है तो लिखो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, सब हेडिंग बनाओ रासायनिक समीकरण को, करण को लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। एक नंबर में रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका लिखा, एक नंबर में अभिकारक को
अभिकारक को, अभिकारक को तथा उत्पाद को, अभिकारक को तथा उत्पाद को उसके सूत्र या संकेत में लिखेंगे, उसके सूत्र या संकेत में लिखेंगे, उसके सूत्र या संकेत में लिखेंगे, उसके सूत्र या संकेत में लिखेंगे। हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में तीर के बाई साइड, तीर के बाया तर बाई तरफ, तीर के बाई तरफ तरफ अभिकारक को, अभिकारक को, अभिकारक को तथा दाई तरफ उत्पाद को रखेंगे, तथा दाई तरफ उत्पाद को रखेंगे। दो तत्वों की अभिक्रिया, अगला पॉइंट, दो तत्वों की अभिक्रिया कराने पर, दो तत्वों की अभिक्रिया कराने पर अभिकारक के बीच में, अभिक्रिया कराने पर अभिकारक के बीच में, अभिकारक के बीच में प्लस, अभिकारक के बीच में प्लस तथा, तथा यदि दो से अधिक, यदि दो उत्पाद बन रहा हो तो, तथा यदि दो उत्पाद बन रहा हो तो दो उत्पाद बन रहा हो तो इन दोनों के बीच भी प्लस का प्रयोग करेंगे, इन दोनों के बीच भी प्लस का प्रयोग करेंगे। अभिकारक तथा प्रतिफल को, अभिकारक तथा प्रतिफल को तीर द्वारा, तीर के पोस्ट में ये देना, तीर के पोस्ट में ये, तीर, तीर पोस्ट में ये, तीर द्वारा अलग करेंगे, तीर द्वारा अलग करेंगे। अगला पॉइंट, अभिकारक तथा उत्पाद के, अभिकारक तथा उत्पाद के, अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था को लिखना, अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था को लिखना, अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था को लिखना, भौतिक अवस्था को लिखना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अगला पॉइंट, अगला, 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 छह नंबर में, छह की पांच होगा, छह होगा, मेरे तो मेरा पांच ही होगा। लिखो अगला पॉइंट में, लिखो जितना हो रहा है, छह पांच, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि, यदि गैस, गैस बाहर हो तो,
यदि गैस बाहर हो तो, यदि गैस बाहर हो तो उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, ये वाला तीर जानता है ऊपर, उसके लिए ये तीर दो, तथा 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 यदि कोई पदार्थ, तथा यदि कोई पदार्थ, तथा यदि कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ अवक्षेप बनकर, अवक्षेप बनकर, विलयन से बाहर हो, विलयन से बाहर हो, बाहर हो तो उसके लिए नीचे तीर, का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र और संकेत में लिखेंगे। पहला बात है रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र और संकेत में लिखेंगे, सूत्र और संकेत में लिखना जरूरी है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात दोनों के बीच प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। अब मान लो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2H2O बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो पदार्थ था, तो इसके बीच में क्या चीज का प्रयोग किए, प्लस का। और अगर जो उत्पाद भी दो बनता तो उसके बीच में भी क्या चीज का प्रयोग करते, प्लस का। उसके बीच में क्या चीज का प्रयोग करते, प्लस का, CO2। अगर जो हम इसको CO2 नहीं लें, अगर जो दो या दो से अधिक उत्पाद भी आता, अभी दो या दो से अधिक उत्पाद वाला आएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद भी आता तो उत्पाद के भी साइड में क्या इसका प्रयोग करते, प्लस का। क्या इसका प्रयोग करते, प्लस का। जैसे हम लेते हैं अभी एक, अभी समीकरण तुम लोग को बताए थे NaCl plus AgNO3 क्या बना था, AgCl प्लस NaCl प्लस Na, AgCl प्लस NaNO3। तो आप बताओ कितना अभिकारक कितना है, दो। अभिकारक कितना है, दो। उत्पाद भी कितना है, दो। दोनों को क्या चीज से जोड़ेंगे, दोनों को क्या चीज से जोड़ेंगे, प्लस से। कैसे जोड़ेंगे, प्लस से। तीसरा बात, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच ये वाला साइन से अलग करेंगे, तीर से अलग करेंगे। अभिकारक ये है, उत्पाद ये है, दोनों को क्या चीज से अलग करेंगे, तीर से। दोनों को क्या चीज से अलग करेंगे, तीर से अलग करेंगे। दूसरा बात बोल रहा है कि अगर पदार्थ का भौतिक अवस्था देना जरूरी है, पदार्थ का भौतिक अवस्था देना जरूरी है। आप बताओ, आप बताओ, जैसे H2 दिए हम, H2 दिए, अब H2 क्या है, गैस। H2 क्या है, गैस है। H2 प्लस O2 भी क्या है, गैस है। इसके नीचे में गैस देंगे, प्लस 2H2O। ये जो बना है ये क्या है, ये लिक्विड है। क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड है। तो L देंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब बताओ कार्बन क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों मिलता है तो CO2, ये भी क्या है, गैस है। तो ये गैस देना जरूरी है, ये गैस देना जरूरी है। और जहां पे जलीय विलयन रहेगा उसके लिए क्या देंगे,
A-Q, बताए ना H2SO4 H2SO4 इसके लिए क्या देंगे A-Q, क्या देंगे A-Q. अब बताओ तीसरा बात, अगर जो कोई गैस निकल रहा है, कोई गैस निकल रहा है जैसे Zn+H2SO4, अब बताओ Zn क्या है, सॉलिड और SO4 ये क्या है A-Q, ये क्यू, अब ये बन रहा है Zn+SO4 A-Q अब प्लस H2 और ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है H2 क्या है गैस, मतलब ये भौतिक अवस्था देना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट बात है कि तीर का प्रयोग करेंगे, अगर जो कोई गैस बाहर हो रहा है तो उसके लिए ऊपर तीर, और अगर जो कोई अवक्षेप निकल रहा है तो उसके लिए नीचे तीर। यहाँ नीचे तीर क्या बता रहा है कि ADCL अवक्षेप के रूप में निकल रहा है, अगर जो कोई गैस बाहर होगा तो ऊपर तीर और अवक्षेप बाहर होगा तो नीचे तीर। तो अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है जो विलयन के रूप में बाहर हो जाता है, उसको अवक्षेप कहते हैं। दूध को फटते हुए देखा है, दूध को फटते हुए देखा है, तो दूध का फटना, अब दूध फटता है तो उसका अवक्षेप निकलता है, पानी अलग हो जाता है और उसके बाद जो पनीर रहता है वो अलग हो जाता है ना, वो अलग हो जाता है, तो क्या है अवक्षेप के रूप में विलयन से वो क्या हो गया, बाहर हो गया है। बाकी जो बचा है सर वो क्या हो गया, क्या बाकी जो बचा है अवक्षेप के रूप में सर वो दूध, इसका प्रयोग हम ठीक है आप बता, दूध को फाड़े पनीर बना और पानी बना, तो दोनों का प्रयोग अलग अलग है, पानी का प्रयोग है पी जाओ, पनीर का प्रयोग है सब्जी बना के खाओ, इसका और पनीर का अलग 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 अपना, इसका अवक्षेप का अलग अलग प्रयोग होता है, इसका भी काम होता है, फालतू कुछ नहीं होता है। तुमको ये समझ में आया इसके नीचे क्या देंगे, अवक्षेप कैसा होगा, अवक्षेप सब पहचानने के लिए आया, हाँ अवक्षेप के लिए। अब एक ही दिन में बोलेगा कि सर हमको उड़ा दीजिए, आसमान पे चढ़ा दीजिए, सही है, धीरे धीरे काम, आज इतना तक आज ये समझो कि ये अवक्षेप है, कौन अवक्षेप है वो तो तू समझ जाएगा ना, कौन विलयन से बाहर हो जाएगा ये सब समझ जाएगा ना, गैस किधर निकल रहा है ये सब समझ जाएगा ना, ये सब समझ जाएगा, उसके सूत्र और संकेत में निकलेंगे लिखेंगे ये सब समझ जाएगा। अब बताओ इसके उसको ऊपर निकालेंगे, तो ऊपर निकालेंगे तो क्या बता है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है तो ये गैस के रूप में निकल रहा है, तुमको इतना समझ में आना चाहिए, तुमको इतना समझ में आना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उसके बाद भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन जो भी बताए वो सब समझ में आना चाहिए। आज का क्लास समझो, अब कल का क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये सब हम तुमको बताएंगे। तो आज कथा इतने भयो।